अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान की चंद खबरों के बारे में। आज 4 दिसंबर 2020 जुमे का दिन है। तमाम दोस्त अब आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहली खबर है बारिश। ओमान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है इस वीक से इंशाल्लाह खैर। अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएं। उसके अलावा दामनिया थाईलैंड, आपको पता है कि विजिट के लिए ऑलरेडी ओपन कर दिया गया था। बरका से आगे समंदर के अंदर जाना पड़ता है और बहुत खूबसूरत जगह है। मोस्टली लोग जो वहाँ पर रात का स्टे करते हैं और अर्ली मॉर्निंग जो है यानी ज़्यादा मज़ा जो है सुबह सुबह का है। और सुबह सुबह फ्रेश वाटर, सफ़ेद रेत, नीला पानी, बहुत ही खूबसूरत मनाजर होते हैं। इसके अलावा और भी कह सकते हैं कि जो समुद्री मखलूक है, स्पेशली टर्टल और बहुत सारी फिशेस वगैरह, तो बहुत सारी इंटरटेनमेंट भी है और आप कुदरत के नज़ारे भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर रात रहने के लिए इजाज़त दे दी गई है, उसके लिए आपको पहले से अप्रूवल लेना होगी। उसके बाद है दयाम वाटर, जो ओमान में वाटर की सर्विसेज मुहैया करते हैं पानी की। उन्होंने स्मार्ट मीटर जो है, आपको कुछ महीने पहले अगर किसी को याद होगा तो मैंने बताया था कि स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉल करना शुरू कर दिए गए हैं, तो अब जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। और होपफुली इनकमिंग मंथ जिन चीज़ों पर वो एक्टिव किए गए हैं वहाँ पर उनको एक स्मार्ट यानी जिस तरह कह रहे हैं कंप्यूटराइज बिल जो है वो आएगा और मीटर की रीडिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। कोई बंदा आके फिजिकली मीटर की रीडिंग नहीं करेगा और ऐसा नहीं होगा कि एक महीने 10 रियाल बिल आ रहा है, अगले महीने 100 रियाल आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी इंशाल्लाह खैर। उसके अलावा है एक एग्रीमेंट तय पाया गया सोलर एनर्जी के हवाले से। स्कूलों के ऊपर जो है वो पूरे स्कूल जो है उनको सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये दाखिला गवर्नोरेट में जो है वो पहले 3 स्कूलों के ऊपर किया जाएगा, गवर्नमेंट के स्कूल्स के ऊपर। और होपफुली इसके अलावा मस्कत में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर, सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पर उन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है सोलर प्लेटें जो है वो इंस्टॉल करने का अमल जो है वो भी शुरू किया जाएगा। और ओमान जो है वो जल्दी चाहता है कि वो मैक्सिमम जितना भी यानी सोलर से एनर्जी हासिल कर सके वो करें। इसके अलावा और बहुत सारे सोलर जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कैद आज़म सोलर पार्क जो है बनाया गया, इस तरह ओमान में भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। और होपफुली जल्द जो है वहाँ से बल्कि दुक्कम के अंदर और मुसंदम के अंदर ऑलरेडी छोटे छोटे जो हैं सोलर पार्क वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े लेवल पर भी काम जारी है। सो इन फ्यूचर में जो है ओमान के अंदर सोलर एनर्जी वो बढ़ती जाएगी। लेट्स सी, इसके अलावा जैसे मजीद खबरें आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ तो बाकी खबरें हैं, कुछ लोग जो हैं वो तंज़ो मज़ाक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा आंसर देना अगली वीडियो में, उनके मुतलक बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।